वर्ष की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति मंदी में चल रही है, रोटी कपड़ा मकान की समस्या है, बिजली सड़क पानी की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। आप ऐसे अनंत समस्याओं से हमें समझा देंगे और हमें वाकिफ कराएंगे, हमको समझा देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ का अज्ञानी नागरिक, मूर्ख नागरिक, कामी क्रोधी लोभी लालची, जाति धर्मों मजहबों में बटा हुआ, क्षेत्रों के नाम पर हर व्यक्ति अपने आप को सम्मानित करना चाहता है, और राजनीतिक पार्टियां तो अपनी राजनीति की रोटी बेलने की कोशिश करता है। हमारे अनपर गमार जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, जिनकी आबादी 60-70% है, उनको भ्रमित करती है, उनको बहकावे में लाती है, तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काती है, तो कभी जाति और क्षेत्र के नाम पर भड़काती है। तो सारे अज्ञान से ये भरा हुआ हमारा भारतवर्ष पीड़ित हो रहा है, विकास में अवरुद्धता आ रही है, हमारी गति धीमी पड़ जा रही है। इसीलिए हम अपने देश के महान नेताओं से ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आप देश का विकास चाहते हैं, तो हमारे बच्चों को बचपन से ही विवेकानंद की कहानी बताया जाए। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, मंगल पांडे, लाल बाल पाल, असंख्य ऐसे महान पुरुष थे, उनकी जीवनी पढ़ाया जाए और उनमें यह विश्वास दिलाया जाए कि आप भी एक दिन भारत के महान सपूत बन सकते हैं, महान सपुत्री झांसी की रानी बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं इस प्रयास में बहुत कोशिश किया हूँ, हर स्कूल, हर विद्यालय गया हूँ, हर महाविद्यालय गया हूँ, वहाँ के प्राचार्य से मैंने विनती की है कि मुझे अपने विद्यार्थियों से साक्षात्कार का अवसर दीजिए, लेकिन वो मुझे वंचित किए हैं इस अवसर से। उनका कहना था ये सब जान के और समझ के विद्यार्थी क्या करेंगे, उनको तो परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, उनको उत्तम से उत्तम अंक लाने हैं जिससे कि उनकी बेरोजगारी की समस्या टलेगी। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब आप आधी अधूरी मूर्खतापूर्ण बातें बंद करिए। अगर कोई व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास का एहसास हो गया, अगर कोई व्यक्ति सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित हो गया, तो जब सचमुच सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और विवेकानंद के सपनों का एक व्यक्ति बनेगा, जो भारत की मार्ग दिशा दिखाएगा, जो भारत को दुनिया में समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा, और फिर से हमारा प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति ज्वलित होगी। आज का भारतवर्ष अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। यहाँ ज्ञानियों की संख्या इतनी तरक्की और इसकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमारे देश को जलाया जा रहा है। ये स्वार्थी, ये लालची, ये दुष्ट प्रवृत्ति के जो राजनेता हैं, वो हमारे अज्ञानता से भरपूर ग्रहणों से ग्रसित हमारे जनता को द्वंद्व में डाल दे रहे हैं, सत्य से दूर कर दे रहे हैं, और ये मूर्ख जनता उन पर विश्वास करती है, आस्था प्रकट करती है। और इसे देखिए हमारे देश में कितना कलह मचा हुआ है। हर जगह ये अज्ञानी मूर्ख देश की प्रगति में अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं, संघर्ष के नाम पर इसका संहार कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने शिक्षाविदों से, अपने महान नेताओं से, हो सकता है कि मैं अपने मोदी जी के लिए भी ये संवाद दे रहा हूँ कि आप परीक्षा पर चर्चा मत करिए, आप परीक्षा के पात्र बनाने की कोशिश करिए। अगर हमारे बच्चों में, बेटियों में, बेटों में, भाइयों और बहनों में आत्मविश्वास पैदा हो गया, तो वो कहीं भी ज़्यादा है योगी नरेंद्र योगी से, योगी नरेंद्र मोदी से, वो सीधे नरेंद्र दत्त बनेगा, वो गौतम सिद्धार्थ बनेगा।
राष्ट्रवादियों, हम सभी एक साथ मिलके अपने बच्चों पर ध्यान दें। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे हैं जो 5-7 साल के हैं और वो हत्याएं की बात कर रहे हैं, उनको ऐसा शिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। वो अभी देखिए शाहीन बाग में क्या कर रहे हैं, वो अपनी माँ के साथ आके वो भी आज़ादी लेंगे, प्यारी आज़ादी लेंगे, मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, खून की बात देश के फिर कर देंगे, इस तरह की बात है। बच्चों को अभी से मारा जा रहा है, इसीलिए तो रेडिकल इस्लामिक एक्टिविस्ट सिंगल्स पैदा हुए। हम अपने मुसलमान धर्म के बेटी बेटों बहनों भाइयों से गुजारिश करते हैं, अपने बच्चों को अब्दुल कलाम बनाओ, अपने बच्चों में देशभक्ति पैदा करो। और देश के जो महान नेता देश हित में कुछ कदम ले रहे हैं उनका समर्थन करिए। आप विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि आप बात की गंभीरता को नहीं समझते, आपको मालूम नहीं है कि आप किसके लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। आप भटके हुए एक अंधे व्यक्ति की तरह झंझावात में फंस गए हैं और अपने आप को आप अज्ञानता की घनघोर अंधकार में दलदल में फंसा रहे हैं। जागो हमारे हिंदुस्तानी, हर धर्म हर मजहब हर जाति हर क्षेत्र के लोग, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम सबों का उत्तरदायित्व है कि हिंदुस्तान की जो हमारे देशभक्त राजनेता है जो देश हित में कदम उठाते हैं उनका समर्थन करें। अगर आप सचमुच समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं तो आप उनका साथ देंगे। अगर आप कुछ भी नहीं समझते, केवल बहकावे मार के गद्दारों वंशवादियों जातवादियों धर्म को हथियार बना के देश में सत्ता आने के लिए लालायित लोभी लालची नेताओं के फंदे में फंसेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए आप सावधान हो जाइए, आप अपनी माँ का विकास करें, अपने नजरिए से दुनिया को देखें। अगर सही है तो आप हमारे फौजी की तरह सरहदों पर जितनी गलियां भाते हैं दिन रात मरते रहते हैं, जितनी को भी कुर्बान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आप पर फख्र करेगी, आप पर गर्व करेगी। लेकिन इसी तरह एक जानवर की तरह गर्दन में रस्सी बांध के अपने विचारों से आपको चकाचौंध करके गलत रास्ते ले जा रहा है तो आपसे जैसा देशद्रोही सत्यानाशी दुराचारी दुष्ट नारद और कुंभकर्ण और कंस और दुर्योधन और सारे दुष्टों की श्रेणी में आपका नाम आ जाए, जो केवल लोगों को भटकाते हैं, बरगलाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, अपना ज्ञान विकसित करिए, जवान बंद कर लीजिए, आँख खोल के रखिए, कान भी बंद कर लीजिए, अपने नज़रिए से दुनिया को देखिए, फिर भारत का नव निर्माण होगा, फिर भारत में महान सभ्यता संस्कृति ज्ञान विज्ञान बल सबका शुभारम्भ होगा। सर्वे भवन्तु।